हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम एक्सेल स्टडी ब्रॉड। आज की वीडियो डेडिकेटेड है फॉर कैनेडा स्टडी वीजा। अगर मैं आजकल स्टूडेंट्स की ट्रेंड या स्टूडेंट का माइंडसेट देखूं तो अगेन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैनेडा स्टडी वीजा ही अप्लाई करना चाहते हैं। बट जब हम स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं या हमारे काउंसलर्स जब स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, सो मेन फैक्टर हम उनसे पूछते हैं कि आपने कभी किसी और कंट्री के लिए अप्लाई किया है, क्या आपका किसी और कंट्री से रिफ्यूजल है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर होता है यस, हमारा कनाडा से एक बारी रिफ्यूजल है। सो इसका मेन रीजन क्या है? अगर मैं प्रोफाइल्स की बात करूं, इवन कई स्टूडेंट्स के ओवरऑल 6 बैंड है विद नो लेस देन 6, अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं जिनके ओवरऑल 7 है विद नो लेस देन 6.5, उन स्टूडेंट्स के भी वीजा रिफ्यूज हो रहे हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है? इस वीडियो में मैं आगे काफी माइनर चीजें बताऊंगा जिसका आपने ध्यान रखना है बिफोर अप्लाइंग योर कनाडा स्टडी वीजा। काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी थे हमको काउंसलिंग के दौरान मिले कि जिनका स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में कनाडा का टूरिस्ट वीजा रिफ्यूज हुआ था और उन्होंने अपनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन में ये बात नहीं बताई। सो क्लियरली उनके रिफ्यूजल लेटर पे लिखा हुआ था कि आपने फुल इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगेन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आपका कोई ब्रदर सिस्टर रिलेटिव कभी कनाडा टूरिस्ट वीजे पे गया हो या फिर वर्क परमिट पे गया हो एंड उन्होंने आगे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर ली हो। अगेन अगर कोई आपका कजन, आपका ब्रदर सिस्टर कनाडा आपसे पहले गया है तो आपको उस रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन बतानी है। ये काफी छोटे पॉइंट हैं बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफ यू वांट टू गेट योर कनाडा स्टडी वीजा। तो मेरी सजेशन है हर एक स्टूडेंट को कि आप एक सही और एक जेन्युइन स्टडी वीजा कंसल्टेंट ही चूज करें जो सिर्फ अपना टाइप या अपना कॉलेज ना देखे बल्कि वो आपके हिसाब से कोर्स एंड आपके हिसाब से यूनिवर्सिटी या कॉलेज का चुनाव करके आपको वहां पे एडमिशन दिलवाए। अगर आपको एक्सेल सेटल ब्रॉड की सर्विसेज चाहिए तो आप स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या अपनी नियरेस्ट एक्सेल सेटल ब्रॉड ब्रांच विजिट करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स के साथ अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं फॉर अपकमिंग सितंबर एंड जनवरी इनटेक फॉर कनाडा स्टडी वीजा। एज अ स्टडी वीजा कंसल्टेंट हम खुद काफी शौक होते हैं, हमारा स्टाफ काफी शौक होता है। 90% है स्टूडेंट्स की अंडर ग्रेजुएट में ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से पास की हुई है, आज में स्कोर परफेक्ट है, SDS कैटेगरी में अप्लाई किया है, फिर भी वीजा रिफ्यूज है। अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट को अपने ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, क्या उसने कोर्स सही सिलेक्ट किया था, क्या उसने कॉलेज सही सिलेक्ट किया था, क्या उसने रीजन सिटी या प्रोविंस सही सिलेक्ट की थी कि नहीं। इन सब डाउट्स के बीच में स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट अपना प्लान ही ड्रॉप कर देता है कनाडा के लिए एंड ही मूव्स टू अदर कंट्रीज सच एज UK, जर्मनी और अदर यूरोपियन कंट्रीज। स्टूडेंट्स यू हैव टू बी योर ओन कंसल्टेंट। अगेन मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आपको अपना एजेंट, अपना कंसल्टेंट खुद ही बनना पड़ेगा अगर आप सक्सेसफुली कनाडा का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं फॉर अपकमिंग सितंबर एज वेल एज जनवरी इनटेक। अगर आप किसी भी एजेंट के ऑफिस विजिट करते हैं तो वो आपको सिर्फ कोर्स गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं या आपको कॉलेज गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। उन्होंने भी आपको वही कोर्स या वो कॉलेज प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप उनका कमीशन स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे जिन स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आती है अराउंड, जब रिफ्यूजल के बाद स्टूडेंट्स जब रिफंड अप्लाई करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को अराउंड 30,000 to 40,000 का लॉस होता है।